हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ़िश करी बनाने की रेसिपी। बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है और बहुत कम मसालों के साथ हमने इसे बनाया है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले हम फ़िश को मैरिनेट कर लेंगे। 500 ग्राम यहाँ पर मैंने फ़िश ली है। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 नींबू का रस डाल देंगे इसमें, 1 टीस्पून या लहसुन का पेस्ट। इन सब मसालों के साथ हम फिश को अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। सारे पीसेस पे मसाले को अच्छे से लगा दिया है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। 2 बड़े चम्मच लिए यहाँ पे कुकिंग ऑयल। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें हम मेथी दाना। 1/4 टीस्पून डाला है इसमें मेथी दाना। इसे तेल में थोड़ा सा चटकने देंगे। इसके बाद डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। इन्हें भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। दो बड़े साइज़ की प्याज को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज में अच्छा सा कलर आ गया है। 1 टीस्पून डाला है इसमें लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक बड़े साइज़ का लिया है टमाटर, उसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब डालते हैं इसमें हम पाउडर मसाले। 1/2 टीस्पून लिया है नमक, 1/2 टीस्पून लिया हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून लिया है धनिया पाउडर। इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे मसालों को अच्छे से भूनने के लिए। लो फ्लेम पे इसे हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है। मसाला अच्छे से भून गया है। 2 बड़े चम्मच के आसपास डालिए इसमें दही। ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो गई। लास्ट में डालेंगे इसमें हम रोस्ट हुई हुई कसूरी मेथी। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। फिश को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो गया है। चलिए इसे अब हम फ्राई करते हैं। फिश दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे निकाल लेते हैं हम एक बर्तन में। इसी तरह हम बाकी के सारे पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। सारे पीसेस अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम डाल देते हैं ग्रेवी में। अब डालेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया और लास्ट में डालेंगे इसमें हम गरम मसाला पाउडर। और बहुत हल्के से हमें इन सब चीज़ों को मिला देना है।
बहुत ही टेस्टी हमारी फ़िश करी बनके तैयार है। चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।